श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील में युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार विजयपुर नगर के सभी विद्यालयों में सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, CM राज विद्यालय, राजीव गांधी पब्लिक स्कूल एवं जीनियस पब्लिक स्कूल, कैरियर फाउंडेशन आदि विद्यालयों में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विजयपुर SDM नीरज शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं सभी छात्राओं के साथ सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाई दिए, जबकि इसके अतिरिक्त अन्य विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया गया। सभी छात्र छात्राएं बहुत ही उत्साहित दिखाई दिए और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने बताया कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार और योगा करना चाहिए, जिससे कि शरीर फिट रहता है और हमारे शरीर में रोग नहीं पनपते हैं। स्कूल में क्या क्या कार्यक्रम रखे गए थे? आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर स्कूल में सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू किया गया था। योग दिवस से युवा दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है, तो वो कार्यक्रम 9:30 पर मुख्यमंत्री जी का भाषण संबोधन भी बच्चों ने सुना और 9:30 तक उद्बोधन के बाद 9:30 से 10:15 बजे तक उन्हें योग की जो विधाएं हैं, 12 विधाएं उनको करके उनको बच्चों को बताया गया, सिखाया गया सामूहिक रूप से। तो छात्र छात्राओं को सर इससे क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा ये मिलती है जीवन के लिए और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत आवश्यक है। मतलब एक ऐसा है जो, लेकिन उसका लाभ बच्चों को मिलता है जो नियमित रूप से बच्चे उसे अपने जीवन में उतारना है। बच्चे योगा को लेकर कितना उत्साहित थे? काफ़ी उत्साहित थे और काफ़ी उत्साह के साथ ही उन्होंने पूरे उसमें कार्यक्रम में भाग लिया था। आज सामूहिक तौर पर कितने बच्चों ने योगा? लगभग 272 बच्चे उपस्थित थे सुबह कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या क्या कार्यक्रम रखे गए थे? आज शासन के आदेशानुसार विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, विजयपुर नगर परिषद के अध्यक्ष श्री कमलेश कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा जी, जिला पंचायत के सदस्य श्री परिषद धाकड़ और समस्त स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सब ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया, इसके बाद ध्यान लगाया। छात्र छात्राओं के लिए सर क्या संदेश है इस सूर्य नमस्कार के माध्यम से? संदेश है कि अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें और विवेकानंद जी के बताए रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास करें। क्या छात्र छात्राओं को सर अपने जीवन में सूर्य नमस्कार और योगा कार्यक्रम को प्रतिदिन के जीवन में उतारना चाहिए सर? बिल्कुल उतारना चाहिए, इससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अच्छा लगा, मन प्रफुल्लित हो गया। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, इससे और भारत सबसे युवा देश है इस समय दुनिया का, तो मेरी सभी युवाओं को शुभकामनाएं, आगे बढ़ें, बढ़ते रहें और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।